ठीक है, सुनते रहो मेरे चैनल, आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया एक और धमाकेदार टॉपिक जो आपके माइंड को ना ब्लास्ट कर देगा। इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग, आई थिंक ये सही वर्ड है ना। बट उससे पहले थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, लाइक करने के लिए, इतना ज़्यादा व्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपके इसी अप्रिशिएशन से शायद मैं और थोड़ा फील आज बेटर फील कर रहा हूँ। बट हाँ, थोड़ी एनर्जी थोड़ी डाउन रहेगी, बट वो हम देख लेंगे बाद में। बट आप में से बहुत से लोग ने मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे किया, फेसबुक पे किया, एंड बहुत जगह पे कमेंट किया, एंड मुझे बताया कि मैं कैप में ज़्यादा बेटर लग रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे कैप वापस से पहन लेना चाहिए, तो मैं अपना कैप लेके आता हूँ। एक सेकेंड, न्यू कैप। सो न्यू कैप के साथ न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। सो गाइज, आज मैं जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है। एंड एक तरह से कहा जाए तो आपकी एडिटिंग को ये नेक्स्ट लेवल पहुँचा देगा। लाइक इट्स द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो आप जो जनरली आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, चाहे आप लाइटरूम यूज़ करते हो, चाहे फोटोशॉप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको मैन्युअली आपका चीज़ें करनी पड़ती है। चाहे वो एक्सपोजर की सेटिंग करना हो, चाहे वो हाईलाइट शेडो सेटिंग हो, ये सब आपको खुद से मैनुअली करना पड़ता है। बट आज मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली हर काम अपने आप ही होगा। जो इसका नाम है वो है आपका ल्यूमिनार AI। अब AI से आपको समझ ही गए होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की यहाँ बात हो रही है, जिसके द्वारा मेरी हिंदी ना कसम से माइंड ब्लोइंग है। तो इसके द्वारा जो आप एडिटिंग करोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कुछ आपको खुद ब खुद करके देगा। एंड ऐसा आपको बिगनर टाइप का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क देखने को मिलेगा। लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे करते हो, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एडिटिंग होती है, बट वो एक आप कह सकते हो इमेच्योर एडिटिंग है। बट यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर या इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रहने वाले हैं। तो फटाफट से आते हैं अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे, एंड देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो आपको यहाँ जाना है सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पे, यहाँ से आपको जाना है ऐड इमेज पे। एंड मैं इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सी, तो यहाँ पे ये इमेज ऐड हो गया है। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी डल इमेज है, और इसको जो मैंने क्लिक किया था, ये मैंने मॉर्निंग में क्लिक किया था, तो लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा डल है। एंड उस टाइम पे जो लाइटिंग थी वो क्लाउडी सिचुएशन था, तो आप देख सकते हो लाइटिंग बड़ी सी फ्लैट सी दिख रही है। सो ये बहुत ही बोरिंग इमेज है, इसको कैसे ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं? आप नॉर्मली इसमें एडिटिंग वगैरह करके इसमें शेडो वगैरह बूस्ट करके कर सकते हो। बट इसमें आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो इसका जो स्काई वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डल है। तो यहीं पे आपका जो रोल है, वहाँ पे ल्यूमिनार की AI वाली फीचर वर्क करती है। तो यहाँ बेसिक एडिटिंग अगर करना चाहो तो आप यहाँ से जा सकते हो, किसी भी आप यहाँ पे एसेंशियल वगैरह में आप या फिर लैंडस्केप में क्लिक कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ये इजी लैंडस्केप सेटिंग, एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉरेस्ट वाले सेटिंग को। तो ये आपको एक बेसिक एडिटिंग वगैरह करके देखा, जो आप किसी भी अलग से अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपको जनरली देखने को मिल जाता है, जैसे आप कुछ भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। तो ये कोई खास फीचर नहीं है, बट यहीं पे आता है रोल एडिट का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है एडिट पे। एंड जब आप एडिट पे क्लिक करोगे, तो थोड़ा सा मेरा स्लो है, तो यहाँ से आपको अब चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको जो आपका कॉम्पोजिशन है, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद बताएगा कि कैसा आपको कॉम्पोजिशन यहाँ होना चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉम्पोजिशन में आना है ऑटोमेटिकली। इसको थोड़ा सा मैं इसको और शॉर्ट कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन बना लेगा अपने आप ही। एंड उसके बाद जो है रोल, वो आता है आपका क्रिएटिव का। ना ये जो टूल है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टूल है। लिटरली मेरा ये बस को देखते ही ना मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है स्काई वाले टूल पे, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने स्काई के पैटर्न को। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका जो स्काई है बैकग्राउंड वो चेंज हो जाएगा, लिटरली चेंज हो जाएगा। अब ये काम आप फोटोशॉप पे भी कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मास्किंग वगैरह करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ ड्रामेटिक स्काई 2 को, एंड आई थिंक ये मुझे लगता है इस सीन के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। एंड मुझे लगता है कि इससे बहुत आपकी फोटो में चेंजेस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सन रेज का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सन को भी प्लेस कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैं प्लेस करता हूँ चाहता हूँ यहाँ पे। एंड इसके अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो। एंड एक और भी अच्छी चीज़ है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ जाता है कि जो सन का पोजीशन है वो आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो,
तो देखो ये बैकग्राउंड में अपने आप ऑटोमेटिकली जा रहा है, मतलब ये आपके डायरेक्ट ऊपर नहीं आ रहा आपके सब्जेक्ट पे, तो ये भी बहुत अच्छा है फीचर है इसका। एंड इसके बाद आप चाहो तो मूड वगैरह सेट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे कुछ खास काम ये सब नहीं करूँगा, मैं यहाँ से आ जाऊँगा लाइटिंग वाले टूल पे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इस पर एक्सपोजर को मैं बूस्ट करके एंड थोड़ा सा इसमें मैं शेडो को बूस्ट कर दूंगा, जिससे इमेज है वो थोड़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉपिंग लगने लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको इरेजर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप जनरली आपको फोटोशॉप में भी देखने को मिल जाता था, बट यहाँ पे इसका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट पे इसे पेंट कर लेना है एंड आपको इरेज पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड उसके बाद आप देखोगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। ये काफ़ी वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। बूम, आप देख सकते हो आपका जो इरेजिंग वाला काम है वो हो गया है। एंड मैं यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना पोर्शन, एंड बूम, अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। खैर ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट जैसे ही ये कंप्लीट होगा आई थिंक ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। एंड लिटरली ये बहुत अच्छा वर्क किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आप देखो लिटरली आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ था। आप यहाँ पे चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये देखो पहले ऐसा बिफोर था एंड ये आपका आफ्टर है। एंड इसके बगल में एक और भी टूल है, इसकी हेल्प से आप इसको देख सकते हो कि कैसा आपका आपने क्या चेंजेस किया है पिक्चर में। सी, ये बिफोर है ये आफ्टर है, आपने कुछ भी नहीं मैंने कुछ इसमें अलग किया है, ये अपने आप ही आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक के साथ मैंने इसमें एडिटिंग की है। मुझे कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ा है, ना इसमें कोई मुझे कुछ फोटोशॉप करना पड़ा है, ना लाइटिंग का यूज़ करना पड़ा है, कुछ भी एक्सपोजर है कोई भी मुझे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ही इसने पूरा का पूरा ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे करके दिया है। सो आपने देखा इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कितना ईजिली एडिटिंग हो जाता है। अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये एक लैंडस्केप इमेज है। इसमें यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ से कोई भी अपना एडिटिंग का जो बेसिक जो आप चाहो लट की तरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन लाइटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मुझे थोड़ा मेरा डिज़ायर लुक दे देता है। एंड उसके हिसाब से उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा आपको यहाँ पे वापस से आपको एडिटिंग पे आना है। एंड यहाँ पे एडिटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे जो जैसे कि अगेन इस पिक्चर में जो इसका स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो मैं उसको फिर से जो इसका स्काई एआई वाला फीचर उसको ऑन करता हूँ। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्काई का सिलेक्शन करूँगा एंड आई थिंक देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्काई बेटर लग रहा है। वो आई थिंक ये स्काई बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड लिटरली ये थोड़ा सा ड्रामेटिक आपको फील कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत परफेक्ट है। एंड यहाँ पर मुझे आई थिंक लगता है मुझे कुछ सन वन की ज़रूरत है नहीं ऐड करने की, एंड बस स्काई की यहाँ पे कमी खल रही थी जो मुझे लगता है कि काफ़ी यार परफेक्ट है। एंड अगर थोड़ा इसमें और बेसिक एडिटिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं चाहूँगा तो बस यहाँ से यहाँ पे पिक्चर को एक्सपोर्ट करके और जो थोड़ी बहुत इसमें कलर की एडिटिंग है वो मैं लाइटरूम या फोटोशॉप में कर दूँगा एंड जो ये इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेगी जैसा कि आप अभी देख सकते हो। सो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपने डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अगर सीखा होगा तो आपको पता ही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। एंड कमेंट से मुझे याद आया कि मैं कुछ कमेंट पढ़ने वाला हूँ आज। सबसे पहला जो कमेंट है वो है हमारा रंजीत पटेल का, लिखते हैं थैंक यू सो मच सर, आपकी हर एक वीडियो मैं देखता हूँ और आपकी वीडियोज़ देखने से कम काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच एंड रियली रियली अप्रिशिएट दिस कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल से कुछ अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप उसे सीख रहे हो एंड आपके वो वर्क में आपको अगर बेनिफिट कर रहा है तो दिस इज़ रियली ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड बस इसी तरह आप वीडियो में सपोर्ट करते रहो, देखते रहो, मैं आपके लिए ऐसे कुछ नया नया ट्यूटोरियल लेके आता रहूँगा एंड अपना सपोर्ट बना के रखे रहो। ना जो दूसरा कॉमेंट है वो है हमारा कुणाल ठाकरे का, ये लिखते हैं ग्रेट थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको वीडियो अच्छा लगा, सो थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी ट्रिप रिव्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इसका मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, पीस।